नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल विही में। हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आए हैं, तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? ऑप्शन ए अप्सरा, ऑप्शन बी एकतारा, ऑप्शन सी स्वरूप, ऑप्शन डी भरत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अप्सरा। एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्रांबे परिसर में शुरू हुआ। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है? ए रतनबाई पेटिट, बी रतनजी दादाबाई टाटा, सी जेआरडी टाटा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा देश के प्रथम कॉमर्शियल पायलट थे। 10 फरवरी 1929 को उन्हें पायलट का लाइसेंस मिला। भारत की पहली महिला कार चालक कौन थी? ए जॉनसन डे सैली, बी थिम्मा विकाजी टाटा, सी रतनबाई पेटिट, डी सुजैन ब्रियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुजैन ब्रियर। सुजैन को 1905 में कार चलाने के लिए भारत की पहली महिला होने के लिए जाना जाता है। वह पेरिस फ्रांस में पैदा हुई थी और जन्म से फ्रेंच थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? ऑप्शन ए TIFRAC, बी मेनफ्रेम कंप्यूटर, सी माइक्रो कंप्यूटर, डी भरत कंप्यूटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए TIFRAC। TIFRAC इसका फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। भारत का 1950 के दशक में विकसित पहला कंप्यूटर था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए सर जेसी बोस, बी होमीजे बाबा, सी आशुतोष मुखर्जी, डी सीवी रामन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी बंगाल के ख्यातिबद्ध बैरिस्टर तथा शिक्षाविद थे। भारतीय जनसंघ के स्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी उनके पुत्र थे। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था? ए दुर्गा अग्रवाल, बी स्वर्ण स्वरूप, सी मेघना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दुर्गा अग्रवाल। दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी 25 जुलाई 1978 में लुइस ब्रायन के रूप में आई। कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ए सी एन अन्नादुराई, बी सी कृष्ण सिंह, सी मोहम्मद यूनुस, डी गोविंद वल्लभ पंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सी एन अन्नादुराई। कांजीवरम नटराजन अन्नादुराई तमिलनाडु के लोकप्रिय राजनेता, अपने प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम दल के संस्थापक थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए हरगोविंद खुराना, बी मदर टेरेसा, सी अमर्त्य सेन, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति है। वे एकमात्र कवि है जिसकी दो रचनाएं हैं दोनों देशों का राष्ट्रज्ञान बनी है, भारत का राष्ट्रज्ञान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय ज्ञान अमर सोनार बांग्ला। दोनों ही रचनाएं रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? ए शिवनाथ मजुमदार, बी कर्नल जतिंदर कुमार बजाज, सी भारद्वाज दयाला, डी जगन्नाथन श्रीनिवासा दरवन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है भारद्वाज दयाला। उन्होंने अपने टूर में 5 महाद्वीप, 16 देश और 47,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। उनकी यह यात्रा 18 महीने में पूरी हुई थी। प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था? ए रोहित खाड़वाल, बी आर्यन वैद, सी मनोहर आइच, डी HHS यदु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मनोहर आइच। मनोहर आइच ने वर्ष 1950 में 36 वर्ष की आयु में मिस्टर हरक्यूलस टाइटल जीता था। आज़ादी के पश्चात 1951 में मोनोतोस राय के बाद वर्ष 1952 में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले वे दूसरे भारतीय थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।